नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। शनिवार को अपर निदेशक पशुपालन कार्यालय हल्द्वानी में नव नियुक्त निदेशक डॉक्टर बीसी कर्नाटक ने पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और मुख्य रूप से अपने मुख्य कार्यों में गोवंशीय पशुओं में लंपी रोग से निजात दिलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अभी तक 358 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यापक तौर पर मवेशियों का चिन्हीकरण उनका टीकाकरण करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम को गौपालक योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति 5 जानवर रख सकता है और सरकार की ओर से प्रति पशु 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान पर जोर देने की उन्होंने बात कही, जिससे 90% मादा बच्चों का जन्म होगा और घुमंतु नर पशुओं की संख्या कम होगी। वहीं चंपावत के नरियाल में बद्री गाय पर चल रहे शोध को लेकर बताया कि जो गाय पहले महज 1.5 लीटर दूध देती थी, वो अब 4.5 लीटर तक दूध दे रही है और अब इसका उन्नत सीमन भी पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति सहित अन्य रिक्त पदों पर कॉन्ट्रैक्ट और स्थायी नियुक्तियों को लेकर शासन स्तर पर जल्द मंजूरी मिल जाने की बात कही है। 2014 में जब हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पशुपालन मंत्री थे, तो इनके प्रयास से हमने नरियाल गांव एक चंपावत में जगह है, वहां पर हमने पूरे राज्य की जो हमारी बद्री गाय थी, बद्री गाय मतलब पहाड़ी गाय जिसको हम पहले बोलते थे, उन गायों को हमने चयन करके उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमने नरियाल गांव में कराई। आप जानते हैं बद्री गाय का दूध उत्पादन लगभग मैक्सिमम 1.5 लीटर होता है, तो हमारी अभी तीसरी पीढ़ी वहां पर पैदा हो चुकी है, तो तीसरी पीढ़ी की जो बच्ची है उसका प्रोडक्शन 3 से 4 लीटर प्रतिदिन का होता है। कि आवारा पशु के लिए हमारी सरकार की योजना यह है कि अभी हम सेक्स सॉर्टेड सीमन जिसमें सिर्फ बच्चियां पैदा होती हैं, अगर हम 100 पशुओं को हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 40 पशुओं का हमारा लक्ष्य है कि हम सेक्स सॉर्टेड सीमन से उनको गर्भित करेंगे। अब हमारी माननीय सीएम साहब का, हमारे माननीय पशुपालन मंत्री भारत सरकार का ये निर्देश है उत्तराखंड राज्य को कि आगामी 3 वर्षों के अंतर्गत आप इस 40% को बढ़ा के पहले साल 60%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल हम 100% पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही करेंगे, ताकि जो नर पशु का पैदा होना बंद हो। इसकी डिजीज इस बार मैदानी क्षेत्र, पिछले बार तो मैदानी क्षेत्रों में हुई थी, जिसमें हमारे जनपद नैनीताल, उधमसिंहगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे हमने उसमें टीकाकरण का कार्य किया था, तो उसके वजह से इस अभी जो टीका लगता है उसमें 1 साल की इम्यूनिटी होती है। इन मैदानी जनपदों में कोई बीमारी बीमार हमारा नहीं हुआ, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले बीमारी नहीं फैली थी, इस कारण वहाँ पर टीकाकरण का कार्य कम हुआ था। तो इस बार क्योंकि इस बार बीमारी नेपाल बॉर्डर से आई है, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बीमारी ज्यादा फैली है, और लगभग अभी हमारे बात करें कुमाऊं मंडल की तो यहाँ पर कंट्रोल में है, और गढ़वाल मंडल में 2 जनपद है, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, यहाँ पे अभी इसका कुछ प्रकोप है, लेकिन वहाँ भी हम कंट्रोल। 1 जुलाई को चार्ज लिया है निदेशक पशुपालन का, उसके बाद हमारी 3 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हमारी समीक्षा बैठक ली है और उनके निर्देश है कि हम समस्त जितने राज्य में गोवंशीय पशु हैं उन पशुओं में उनको 70% पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया जा चुका है। माननीय मंत्री के निर्देश दिए हैं कि इस 5 अगस्त तक हम राज्य के समस्त गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण का कार्य कर लिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो बीमार पशु हैं जिनको लंबी स्किन बीमारी हो रही है, उनका हम पशुपालक के द्वार पर जाके 1962 के माध्यम से अपने सचल पशु चिकित्सालय के माध्यम से कैंप लगा के उनका उपचार किया जा रहा है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।